की परिभाषा अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर व लिखकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है बच्चों? भाषा। प्रकट करना ही भाषा कहलाता है। अब आप लोगों के सामने समझ में आ गया, आप लोगों के सामने भाषा की परिभाषा भी है, भाषा किस धातु से बना हुआ है, भाषा क्या है, इसका अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से समझोगे और इसके बारे में आप लोग जानोगे। भाषा वाहन धातु से बना हुआ शब्द है। भाषा का अर्थ उच्चारण करना, बोलना, कहना आदि। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा में आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अपने विचारों को व दूसरों के सामने लिखकर व बोलकर प्रकट करना ही क्या कहलाता है? भाषा। भाषा के दो रूप हैं। कौन से हैं? एक है लिखित रूप, दूसरा है मौखिक रूप। मौखिक रूप में हम अपनी बात को दूसरों के सामने मौखिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे टेलीफोन के द्वारा है, आपसी वार्तालाप के द्वारा है। और लिखित रूप को हम लिखकर प्रकट कर सकते हैं, यानी कि कागज पर, पत्र के द्वारा, अखबार, समाचार पत्रों के द्वारा। वो हमारा लंबे समय तक संग्रहित रहता है, और जो हमारा मौखिक रूप है वो लंबे समय तक संग्रहित नहीं रहता है। समझ में आ गया बच्चों? अब हमारा ये आपको भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि भाषा के बिना ही व्याकरण अधूरी है। यदि व्याकरण में भाषा नहीं होगी तो हमारी व्याकरण भी अधूरी मानी जाती है। अब हम आप लोगों के सामने लिपि के बारे में बताएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रकरण क्या होगा? आपका प्रकरण लिपि। लिपि के बारे में आप लोगों के लिए मैं आपको नई अलग से जो अगली वीडियो बनेगी मैं उसमें आपको क्लियर कराऊंगी इस वीडियो को। तब तक आप लोग अपना भाषा किस धातु से बना हुआ ये वाला क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे। इसका अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि भाषा का क्या अर्थ है। इसको भी आपको अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में आपको क्लियर करना है, और भाषा की परिभाषा इसको भी इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए भाषा के बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया है, समझाया गया है। आशा है कि आप लोगों के समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।